बहुत हो गई थारी बकवास। मासी सा कह के मारे माथे पर नाचने लगा था। जे थप्पड़ आदित्य पर कठोर उपचार करने के वास्ते, जे थप्पड़ आदित्य को जेल भिजवाने के वास्ते, जे थप्पड़ मारी जिंदगी बर्बाद करने के वास्ते। अब सब ठीक हो जाएगा उमा, हम सब तुम्हारे साथ हैं, सब ठीक हो जाएगा। उमा, पुलिस ने हर जगह नाकाबंदी कर दी है, आदित्य और मासिसा कहीं नहीं भाग पाएंगे। बहुत ही जल्द सलाखों के पीछे होंगे दोनों। गिरफ्तार मत करना। आदो साई, आप क्या कह रहे हैं? उन्होंने आपको जान से मारने की कोशिश की थी। जानता हूं, पर अगर दुनिया को यह सच पता चल गया तो लोगों का दुनिया के सबसे पवित्र शब्द वहां पर से विश्वास ही उठ जाएगा। फिर कोई भी बेटा माँ को भगवान का दर्जा नहीं दे पाएगा। उन्होंने भले ही माँ का धर्म ना निभाया हो, एक बेटा होने के नाते मैं अपना धर्म निभाना कैसे भूल सकता हूँ? कैसा धर्म हो, कैसा रिश्ता? मासी सा ने तुम्हें इस्तेमाल किया, इस रिश्ते को इस्तेमाल किया। अरे एक झटके में तुम्हारी जिंदगी भर की मेहनत उड़ा के लेके चली गई। तुम्हें जान से मारने की कोशिश की उन्होंने उमा, और तुम अभी एक अच्छा बेटा होने का धर्म निभाना चाहते हो? क्यों उमा? मेहनत ही ले गई है ना, मेरी विद्या, मेरा हुनर तो नहीं, मैं जो हजार नुस्खे बना लूंगा, पर मैं आज मासीसा को नहीं बल्कि उनसे जुड़े मां शब्द को और इस रिश्ते को बदनाम होने से बचाना चाहता हूं। उमा, दुनिया की कोई भी माँ ना तुम जैसा बेटा पाने के लिए हजार जन्म ले सकती है। आज एहसास हो रहा है मासीसा ने पैसों की लालच में कितनी कीमती चीज खो दी है। उमा, मासीसा को आप माफ कर सकते हैं लेकिन कानून नहीं, वो अभी कानून की अपराधी है। नहीं वेद, भगवान के लिए ऐसा कुछ मत करना। जो भी रहा हो बचपन से लेकर अब तक, अरे उन्होंने नाटक किया पर उन्होंने मुझे माँ की तरह पाला है। मैंने हमेशा उन्हें माँ से बढ़कर प्रेम किया है, मैं उनके साथ कुछ भी गलत होते हुए नहीं देख सकता। सरस, हिम्मत रखो। सरस को रोने दीजिए, आज इसने भी अपनी माँ को खोया है। शिवर समुद्र, जीजी, क्या सच में मासी सा बहुत बुरी थी? क्या वो हम सबसे बिल्कुल प्यार नहीं करती थी? मुझे नहीं पता शिव, मासीसा अच्छी थी या बुरी। तो क्या अब मासीसा कभी वापस नहीं आएंगी? मुझे नहीं पता शिव।
मासी से जैसे मुझे लाड प्यार कौन देगा जीजी? अपने हाथों से खाना कौन खिलाएगा मुझे? मैं हूं ना, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी। मैं तुम्हें मासीसा से भी ज्यादा प्यार दूंगी। आपको कौन प्यार करेगा जीजी? आपकी गलती पर आपको कौन डांटेगा? मैं शेफ। दादा साहब, मैं तुम सबकी मां बनूंगा। मां की तरह प्यार करूंगा, अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा, तुम्हारे साथ खेलूंगा। जो जो मां से सा करती थी वो सब कुछ करूंगा। तुम्हें सुबह जगाने से लेकर सुलाने तक बस मुझे लोरी नहीं आती है। पर मैं वो भी सीखूंगा शिव, मैं कोशिश करूंगा कि मैं वो सब कुछ करूं जो मासी से करती थी। एक बात बताऊं दादू साहब, मुझे सब कुछ तो मिल जाएगा पर मुझे मासी सा की याद अभी भी आ रही है। आज तक एक दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन मुझे मम्मा की याद आई हो। तो तेरे तो इनकी माँ समान मासी सा ने जीते जी छोड़ दिया है। कितनी तकलीफ पूरी होगी इन्हें। आज इस परिवार ने बहुत बड़ा तूफान झेला है जिसने इनकी नींव को अंदर तक खिला दिया है। भापू कैसे रहेंगे ये लोग? ये साल बीत गया कनक, नए साल का उदय हुआ है। भापा लेकिन कनक और उमा की शादी है, पर ऐसे माहौल में? नहीं भैया, ऐसे में मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। ये शादी जरूर होगी। कनक, तुमने आज तक बहुत सहा है, बहुत साथ दिया है मेरा। अब तुम्हें तुम्हारी खुशियां पाने का पूरा हक है। आ, 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 आ,
बाबू, आज मैं अपना सब कुछ गंवा चुका हूं, कुछ नहीं बचा है मेरे पास, पर फिर भी आपकी पोती का हाथ मांगने की जरूरत कर रहा हूं। क्या आप भी आप कनक का हाथ मेरे हाथ में देंगी? जी शादी तो केवल रसम है जबाई सा, आप दोनों तो हमेशा से एक दूजे के वास्ते ही पड़े हो। अपनी पोती का हाथ आपके हाथ में देते हुए बहुत बहुत आभार आपका, मैं चलता हूं। खुश रहे। बड़ी किस्मत वाली है कनक तू, जो तने ऐसा जीवन साथी मिला है। रे जहर देने वाली मां को हंस कर माफ कर देना, उसके वास्ते ना सवा शेर का काट जा जाए। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी अपनी जिम्मेवारी ना भूले उमासा। अपने छोटे भाई बहन को संभाल लिया, ऐसे इंसान की ना हमेशा ताकत बनना कमजोरी नहीं। चाहे जैसा भी समय आए, इसके साथ खड़े रहना और तुम दोनों के रिश्ते को चाहे जितनी अग्नि परीक्षा देनी पड़े, उसमें तुम दोनों को खरा उतरना है। याद रखना, मैं आपको वचन देती हूं बाबू, चाहे जैसा समय आए, चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स आए, पर मैं उमा का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं। खुश रहे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।